तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, यहाँ पे बिल्कुल सैड न्यूज सभी पबजी लवर्स के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे बोलना चाहूंगा, पबजी इंडिया में, यहाँ पे पबजी पबजी लाइट सब बैन हो चुका है यहाँ पे इंडिया में। एंड गाइज, मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम था पबजी को लेके, काफी सारा इश्यूज था। अभी मतलब थोड़ी दिन पहले हमको सुनने को मिला था कि हाँ नहीं, पबजी बैन नहीं होने वाला है, और उसके ऊपर मतलब जितने भी सारे प्रॉब्लम्स था वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। एंड मतलब थोड़ी दिन पहले भी आप लोग देखे थे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में वो कुछ चेंजेस किए थे पबजी वालों ने। तो फिर भी मतलब फिलहाल आज का जो न्यूज है फिलहाल के लिए, उसमें पबजी के साथ साथ और काफी सारे एप्लीकेशन, 116 और एप्लीकेशन पबजी और पबजी लाइट को छोड़ के, और भी 116 एप्लीकेशन, मतलब टोटली 118 एप्लीकेशन जो है वो बैन हो चुका है। तो गाइज, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन सा आप यहाँ पे बैन हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा है जो कि मतलब बैन यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं। तो गाइज, मैं लिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप सुखा कुछ एप्लीकेशन, कॉट कॉट का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन, और इसके साथ मतलब सुपर क्लीनर भी यहाँ पे गया है, वीचैट का रीडिंग यहाँ पे गया है, गवर्नमेंट वीचैट भी गया है, स्मॉल क्यू भी यहाँ पे गया है, और यहाँ पे टेंसेंट का जितने भी एप्लीकेशन थे सब यहाँ पे हट चुका है। एंड लूडो वर्ल्ड यहाँ पे जो टेंसेंट का भी था, आई थिंक मेरे को ये लूडो का कुछ टेंसेंट का था एप्लीकेशन, वो भी हट चुका है। चीज रस वहाँ भी हट चुका है, पबजी मोबाइल, ठीक है। फिलहाल के लिए जो अपडेट था, ये नाम यहाँ पे लिस्ट में 32 और 33, यहाँ पे दोनों पबजी का भाई, छोटा भाई बड़ा भाई सब गए यहाँ पे। पबजी मोबाइल लाइट दोनों यहाँ से हट चुका है। तो गाइज, और भी काफी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से हट चुका है, जैसे कि स्मार्ट एप्लीकेशन लॉक, यहाँ पे ऐप प्रोटेक्शन का जो एप्लीकेशन था, SMS लॉक था, हाइड ऐप था, ऐप लॉक था, ऐप लॉक लाइट, डुअल स्पेस भी हट चुका है यहाँ पे, मल्टीपल आप क्लोनर का। यार डुअल स्पेस को लेके ना मैं काफी मतलब उसको इसके उसको कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि डुअल आप स्पेस में क्या होता ना, एक तो वो आपका अपना डाटा, आपके मोबाइल में जितने डाटा है ना वो पहले से एक्सेस के वहां पे मतलब वो ले लेता है। तो इसी वजह से ये डुअल स्पेस मैंने कभी यूज नहीं किया, और ना मैंने बोले फोन में कभी डाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो काफी मतलब यहाँ पे जो इंडियन का, सॉरी चाइनीज का जितने भी एप्लीकेशन है तब यहाँ से हट चुके हैं। और गाइज, उसके बाद भी और एक लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये दूसरा वाला लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन क्या है यहाँ से हट चुका है, N65 से लेके, और यहाँ पे देख सकते हो लूडो ऑल स्टार यहाँ पे ऑनलाइन गेम वो भी गया है। मतलब कितने सारे एप्लीकेशन भाई चाइना का है जो कि मतलब इंडिया में राज करते थे यहाँ पे, बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब VPN फॉर टिकटॉक, देखो VPN टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद VPN फॉर टिकटॉक, वाह भाई। मतलब जितने भी मतलब इंडिया में मतलब जैसे कोई मतलब जितने भी प्रोग्रामर का कोई मतलब अवेलेबल ही नहीं, मतलब इंडियन एप्लीकेशन है ही नहीं है, मतलब हम लोग जितने भी यूज करते थे सब चाइनीज एप्लीकेशन ही था, और हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम इतने सारे एप्लीकेशन। और यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, एक तरीके से अच्छा हुआ कि मतलब यहाँ पे बैन हो चुका है मतलब पबजी से लेके सारे एप्लीकेशन। और ये सैड न्यूज भी है क्योंकि इंडिया में काफी सारे बंदे पबजी का लाइव स्ट्रीम करते थे, एंड उसमें वो मतलब एक तरीके से वो अपना जॉब एक तरीके से यहाँ पे था इनका, जो छे कि यूट्यूब पे पबजी लाइव स्ट्रीमिंग का काफी सारे बंदे थे। और अब भी प्रॉब्लम होगा, अभी दिक्कत होगा कि वो उन लोगों का जो पबजी स्पेशली पबजी को पर फोकस करते थे। एंड फिलहाल के लिए तो मैं पबजी से हट चुका हूँ, मतलब एक महीने से हट चुका था, आसपास एक महीने हो गया मैं पबजी से हट गया था। फिर भी मतलब जितने बंदे यहाँ पे पबजी लाइव स्ट्रीम करते थे उन बंदे को बहुत सारा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो बंदे बिल्कुल बहुत ही मेहनत करते थे यहाँ पे, एंड यूट्यूब पे दिन दिन भर मतलब चार चार पाँच पाँच घंटे, दस दस घंटे भी स्ट्रीम करते थे, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकता है। एंड गाइज, मैं बोलना चाहूँगा कि यार पबजी एक ही मतलब सिंपल सा बात बोलूँगा, यार पबजी एक ही मतलब एप्लीकेशन नहीं है मोबाइल में जो कि आप स्ट्रीम करते हो। एंड नो मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि और भी बहुत सारे गेम्स है, उस गेम को आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, ना कि आप एक ही गेम को। एंड मैं भी ये बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ी दिन पहले मैं भी मतलब लाइव मतलब जो यहाँ पे पबजी खेल रहा था, तो मैं अभी भी बोल रहा था कि भाई पबजी ना जो एक तो उसमें हैकर्स ज्यादा से ज्यादा आते हैं अभी फिलहाल के लिए, इतना हैकर की मतलब आप बोल भी नहीं सकते इतना हैकर, और दूसरे में इतना पैसा लेता है पबजी वाले, इतने पैसे लेते हैं कम से कम अपने गेम्स को ठीक कर ले भाई, इतना हैक मतलब इतने हैक हो के बावजूद इतना लैग भी हो रहा है जो मतलब खेल भी नहीं सकता कोई।
और वो अच्छा हुआ कि क्योंकि पीसी गेम को यहाँ पे इंडिया में कोई फोकस नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी पीसी गेम्स को कोई फोकस नहीं देता है। जैसे कि मतलब कोई भी गेम हो पीसी का, जैसे कि वैलोरेंट हो जाओ या फिर दूसरे जो गेम्स हैं जैसे फॉल गाइस से लेके और दूसरे काफी सारे पीसी गेम हैं जिसके ऊपर वही कोई भी मतलब फोकस नहीं करता, क्योंकि सब बंदे मतलब वहीं पे भगवसे पड़े हो पबजी में, पबजी में। और मोबाइल वालों में जो, तो मोबाइल में अगर मतलब आप आजकल तो फैशन सा हो गया, मोबाइल पहले खरीदे थे मतलब कैमरा के लिए कि फोटोज कैसे आएगा उसमें, कितना कहता कितना क्लैरिटी होगा कैमरा का, इसके ऊपर फोकस करते थे। पर अब क्या चल रहा है, एक तरीके से प्रोसेसर और मतलब आपका रैम कितना है, ये कितना है, वो कितना है, वो सब देख के मतलब किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पबजी के लिए। मतलब जो भी बंदा खेलने में मतलब जाता है मार्केट में फोन लेने के लिए, बेसिकली वो मतलब गेम्स के ऊपर बेसिकली पबजी के लिए ही फोन करते खरीदता। और अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ मतलब पबजी बैन हुआ, वो बहुत मतलब सैड न्यूज है क्योंकि काफी सारे बंदे यहाँ पे इन्वेस्ट अपने किए थे एंड काफी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी गाइज मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, वो बंदे को बोलना चाहूंगा जो बंदे पबजी स्ट्रीमिंग करते थे एंड उन बंदे को बोलना चाहूंगा कि भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जो अगर चलाओगे ना एक गेमर्स के हिसाब से वो बंदे देखेंगे, आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे। अगर आप पबजी चलाते थे तो पबजी बंदे देखते थे, ठीक है। अभी पबजी बैन हो गया, अभी जो बंदा यूट्यूब पे आएगा दूसरे गेम्स को ही देखेगा ना। तो फिलहाल के लिए आप लोग एक गेम को सिलेक्ट करो जो कि मतलब मतलब हमारे प्राइवेसी से लेकर सब कुछ दिखता है, जैसे कि खास करके इंडिया में तो अभी फिलहाल के लिए तो इस पे इसके ऊपर मतलब अभी कुछ काम वाम हो रहा है, मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आई थिंक मेरे को लगता है बहुत जल्दी ऐसा गेम्स आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग पीसी गेम्स के ऊपर फोकस करो या फिर कुछ दूसरे मोबाइल गेम्स के ऊपर फोकस करो, अच्छा रहेगा। फिलहाल तो पबजी बैन है, आगे का न्यूज़ क्या होगा वो तो पता नहीं, फिलहाल तो पबजी बैन है। तो गाइस बस ये तो सैड न्यूज़ है, बहुत मतलब बुरा लगा क्योंकि मैं भी मतलब स्ट्रीम पे पबजी नहीं खेलता हूँ अभी, फिलहाल बैकग्राउंड में तो पबजी खेलता था। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड गाइस मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ आज रात को, तो गाइस मिलते हैं लाइव में। तो बाय बाय सभी को।